अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। मैं फ़िलहाल जो हूँ नादर गुल जी। आपके मस्जिद आबादी सईदी, आप लोग देख रहे होंगे कि तकरीबन एक 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई कब्रिस्तान की दीवार बना रहे थे, कोई BJP का काउंसलर आके वो दीवार को तोड़ दिया बोलकर, और वो वीडियो में मेरा नाम लेकर अमजदुल्ला ख़ान से भी गुजारिश की जाती है। तो वो साहब, वीडियो भेजने वाले साहब, ये है हमारे सैयद अमजद साहब हैं, मेरे ही नामकारी है, और हमारे ये यहाँ के मुखामी हैं सैयद सादिक साहब। एक्चुअली इशू ये है कि मस्जिद आबादी सैयद की तकरीबन 20-22 एकड़ ज़मीन थी, यहाँ पर 17 एकड़ ज़मीन पूरी कब्ज़ा हो गई, अब 3 एकड़ बची हुई है, और ये रोड पे जो है मस्जिद है, ये मस्जिद से हटकर जो है बाहर खुबूर है यहाँ पर, तो बड़े बड़े खबूर है, पहले के ज़माने में जैसा बड़े खबर बनाते थे। तो क्योंकि ये खबर को फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लोग शराब के बॉटल डाल दे रही यहाँ पर, ठहर के पेशाब कर रही, तो आप जो है हमारे अमजद साहब ये बाउंड्री वॉल बना रहे थे, तो वो बाउंड्री वॉल बनाते वक्त जो है खबर को लगा के बाउंड्री वॉल बना रहे थे, तो यहीं के कोई लोग जाके जो है वो BJP के काउंसलर को कंप्लेंट किए कि ये रोड पर आ जा रही बाउंड्री वॉल, और वो आके जो है ठहर के तुड़ा दिया। वो सबसे पहले तो ये है कि जब आप बाउंड्री वॉल बना रहे थे तो आपका काम था कि वक्फ बोर्ड के उहदेदारों को यहाँ पर ठहरा के, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को ठहरा के काम करे, तो वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन देते थे। वो काउंसलर जो है उसके बाप की जागीर नहीं है, उन्हें आके यहाँ पर तोड़ दिया इसको। तो फिर आधी बटला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट गया, हमारे इंस्पेक्टर रघुवीर रेड्डी साहब से भी मेरी बातचीत हुई, और यहाँ के जो ACP है और DCP है उनसे भी हमारी बातचीत हुई कि वो जो तोड़ा है उसके ख़िलाफ़ में एक्शन ले रहे हैं, केस बुक कर रहे हैं। और मैं अभी हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से भी बात किया हूँ मैं, और उनका भी कहना है कि वो जो 3 एकड़ ज़मीन है उसकी हम इमीडिएट फेंसिंग करेंगे, ऑलरेडी सेंक्शन ले लिए हैं वो, और इसको भी जो है बाउंड्री वॉल उठाएंगे। सामने की प्रॉपर्टी भी जो है मुस्लिम प्रॉपर्टी है, और ये अगर ये इसकी दीवार उठा रहे हैं, कुछ रोड छोटी हो रही तो देखना उसके बारे में क्या होता, यहाँ पर बैठ के आपस में महल्ले में बात करेंगे। तो बहरहाल जो वीडियो बनाए और जो वीडियो वायरल हुआ उसकी ये वजाहत है कि वो इशू को जो है पुलिस वाले ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, और वक्फ बोर्ड से भी बातचीत हो गई है, इंशाल्लाह मसला अनकरीब हल होने का है। ये जो 3.5 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर भी 3.5 एकड़ जो है उसके ऊपर भी फेंसिंग की जाएंगी। आप बोलिए क्या है आप? पहले तो बिस्मिल्लाह, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासतौर अमजदुल्ला ख़ान साहब की जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड जल्दी हरकत में आएगा, और इंशाल्लाह जो भी मसले मसाले पूरे हल करके देंगे। और ये जो वीडियो जो 9 जनवरी को जो वायरल हुई है, वो ज़रा गर्मा गर्मी में हो गई, क्योंकि अकेला था मैं, अब थोड़ा 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 पैसा लगा के जितना भी अपने हिसाब से फेसिंग वगैरह कर रहा था, वो थोड़ा तो तकलीफ हो गई, थोड़ा जल्दबाज में निकल गई। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने हजरात भी यहाँ पे कॉपरेट किया, और उम्मीद है आदि बटला पुलिस भी बहुत साथ देगी इंशाल्लाह। और फिर से एक बार अमजदुल्ला खान का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ। ये जमीन कितनी है टोटल, ये पूरी कब्रिस्तान की 22 एकड़ थी, 22 एकड़ में से 17 एकड़ पूरी गायब हो गई, वो मेरे पैदा में से पहले बिक गई थी, 4 एकड़ कुछ बची है। मस्जिद आबादी सईदी, पहले सुन्नतुल जमात, हाँ पेंडिंग है मसला, हाँ आवाज़ नहीं कर रहे कुछ नहीं। कोई भी नहीं देख रहा उसको, वो अपने अंदर में हमारे नमाजी है साहब, इनके भाई और ये दोनों देख लेते हैं।
नवाजी है। आप यहाँ के मुकामी हैं? मुकामी दो साल पहले बना है अंदर का है। पूरी खदीम मस्जिद पूरी अच्छी बड़ी मस्जिद है। पुराने उसूल के दीवार तकरीबन आ रहा था एक सिले यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिले पूरी एक ही सिले अंदर में कुतुब शाही मस्जिद लाइक पेन पेपर जो होता है अंदर में। तो टोटल जमीन कितनी थी जिसमें से 22 एकड़ चिल्लर गुंडे थी 22 एकड़ में से 17-18 पूरी चले गई बची है 3.5-4 एकड़ 5 एकड़ कितनी अभी उसके लग के ही मस्जिद पूरी बच जाएगी। ये जमीन इधर से किसकी वजह से है? अच्छा ये जो ये मस्जिद के तहत 22 एकड़ जमीन है ये पूरी नहीं ये नहीं होती 3.5-4 एकड़ है अब है। हाँ अब है जो कॉलेज जो ठहरे आप उसके पीछे में थी वो पूरी। अब ये 3.5 एकड़ किसके कब्जे में है? ये मस्जिद के कब्जे में अपने पापन बैठे हुए। अब ये मस्जिद के कब्जे में? ये मस्जिद के कब्जे में है। इसमें भी बहुत मसले मसाइल बहुत हुए तो कोई वक्फ बोर्ड वाले आके इसकी फेंसिंग वगैरह नहीं करे कुछ भी आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं यही चल रहा सिलसिला दो साल से यही जी मस्जिद लाख कौन थे। अब ये कैसा एकड़ होंगी यहाँ पर? अब अगर सही जीनियन पेपर है तो 8 करोड़ रुपये 8 करोड़ रुपये एकड़ है। अगर जीनियन पेपर है तो ये देखा गया तो 7-70 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड उसकी हिफाजत नहीं कर रहा वो देखते भी नहीं वो हल्ला गुल्ला करे तो यहाँ आना वरना नहीं आना। अरे छोटे भाई कभी कोई वक्फ बोर्ड सबका जितने भी चेयरमैन गुजरे कोई आए करे थे यहाँ पर? इंस्पेक्टर वगैरह आए चेयरमैन साहब एक बार आए थे हमारे सीईओ अजम उद्दीन साहब एक ही बार आए थे उसके बाद उनका पता था नहीं। तो ये यहाँ पर अब एमएलए कौन सा लगता है? कांस्टेंसी ये महेश्वरम सविता नंदी। अच्छा महेश्वरम कांस्टेंसी लगती है। अब ये जो बीजेपी का क्या नाम है कारपोरेटर का अपना गली में टर्निंग पे गाड़ी जा रही थी उसी गाड़ी में बैठा हुआ है श्रीधर रेड्डी जी। आप उसको एमएलए बोल रही हैं उसमें? नहीं एमएलए नहीं वीडियो में तो ये दीवार उठा रहे थे आपके? अच्छा अंदर हाँ अंदर हटा के लगाओ बुला के ये रोड के अंदर ये भी आप लोग भी इसको पीछे हटा ले। हाँ ये भी वक्फ बोर्ड के अंदर में है बोलिए। अच्छा ये मलिया भी वक्फ बोर्ड के ही है? नहीं अंदर में आ रहे हैं मुसलमानों के चले। अच्छा तो खाली इशू ये इतने का ही यहाँ से क्या बोल रहे हैं जरा अंदर हटाओ वो आप जो है ना ये खबर रोड तक थे 4 फीट पहले अंदर हटाए पैर कड़ गए खबर बड़े बड़े थे अब कह रहे और 4 फीट हटाओ या 4 फीट अंदर और हटाए तो सिर्फ सर रहता सीना रहता बाकी खबर पूरी चली जाती खबर के ऊपर ही उठे हुए सीना पुराने उसके ऊपर से उठाया क्या बोल रहे जी चाप कम से कम 250 फीट के जो है हिसाब से यहाँ तक थी तो रोड जो है बढ़ते बढ़ते वो हिसाब में आ गए क्योंकि कटिंग हो गई। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये अपनी है आपकी चाहिए तो फिर उसको ऐसा कराना था वो कटती फिर प्रॉपर्टी भी अपन पीछे हटा के बनाए सर नहीं वैसे कोई मुश्किल नहीं है जब फपरा सुनाए तो हटा के बनाएंगे ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है चलिए देना ट्रैफिक कहीं करे ना नहीं मालूम है वो केस में गड़ गए थे तो नोट मालूम ही इज नो सीईओ सीईओ है अब इंचार्ज सीईओ है। अच्छा ही इज